लग्जरी कार से बकरी चुराकर भाग रहे चोरों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। अब लग्जरी कार का बकरी चुराने के लिए चोर करते हैं प्रयोग। चोर लग्जरी कार से बकरी चुराकर भागने में हुए विफल। लग्जरी कार में सवार होकर पांच चोर रात्रि के करीब 3 बजे कई घरों से कस्सी और बकरी चोरी कर भाग रहा था, जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा। दरअसल ये पूरा मामला पूर्णिया जिला के बायसी थाना अंतर्गत चंद्रगावा पंचायत वार्ड नंबर 2 बकरिया गांव की बताई जा रही है, जहां बकरी चोर लग्जरी कार में बकरी चुराकर भाग रहे थे, जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा। इसी क्रम में 3 बकरी चोर मौके से भागने में सफल हो गया, जबकि 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं ग्रामीण मीरा देवी ने बताया कि रात्रि के करीब 3 बजे बकरी की चिल्लाने की आवाज सुनकर नींद टूट गई। जब बाहर निकलकर देखी तो एक काला रंग का कार मेरे दरवाजे पर लगी हुई थी, जिससे बकरी की मिमियाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जहां चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर के अन्य सदस्य एवं आसपास के लोग नींद से जग गए और कार पर सवार 2 व्यक्ति तथा मेरे 3 बकरी के साथ सभी ग्रामीणों ने धर दबोच लिया, जिसको लेकर बायसी थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु सुशील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने बकरी चोर को पकड़कर बायसी थाना को सूचना दिया और पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 चोर सहित BR11G 8605 एक कार को बायसी थाना लाया गया। दोनों बकरी चोर ने अपना अपना नाम मोहम्मद टीपू, पिता मोहम्मद जाहिद साकिन, सिपाही टोला थाना मधुबनी जिला पूर्णिया, एवं दूसरा मोहम्मद इमरान आलम, पिता मोहम्मद तबजुल हक साकिन पांजीपरा जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल बताया है। वही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर FIR दर्ज किया गया है और दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है। हाथ में कहां से लेके आ रहे हैं बकरी? थाना से। क्या हुआ था? चोरी हुआ है। चोरी हो गया था रात में? कौन सा गाड़ी से लेके जा रहा था? गाड़ी का नंबर हमने जानते हैं, गाड़ी है वहाँ पड़ा हुआ। कौन सा घर गांव कहाँ है आपका? बकरिया। कैसे फिर मालूम चला कि बकरी आपका निकल गया? मालूम मिल गांव में बोला घर जाके देखे बकरी नहीं था। मामला है कि इनका मीरा देवी का ही बकरी है और ये बकरी रात में घर में बांधा था। उसके बाद 3 बजे जब इसका आँख खुला जाके देखा रूम में बकरी नहीं था। उसके बाद हल्ला हुआ, हम लोग पहुँचे, देखे सही में इसका बकरी नहीं था। उसके बाद गांव वाला से पता चला कि इसको पकड़ा गया था, वेन्यू गाड़ी है और एक सिपाही टोला के हैं, और उसके बाद थाना को बुला के उनको यहाँ भेज दिया गया है। गाँव बकरिया से? हाँ, गाँव बकरिया यादव टोला। कहाँ जाके पकड़ा गया? ये फटकी चौक में पकड़ा गया है। कितने लोग था इसमें जो पकड़ा गया? बोला कि 5 लोग था, जिसमें 2 लोग पकड़ा गया, 3 लोग मकई का खेत में घुस गया। और रात की बात है तो उतना आदमी तो था ही नहीं कि सबको पकड़ लिया जाए। और लोगों के यहाँ भी बकरी उठाने गया हुआ था क्या? ये तो बहुत दिन से हो रहा है बकरिया में, ऐसा बकरी चोरी हो रहा है, गाय चोरी हो रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? नहीं, मांग क्या करेंगे, प्रशासन से मांग यही है कि इसका न्याय होना चाहिए, ऐसा अगला घटना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए गरीब आदमी है, इसी से इसका भरण पोषण हो रहा है, इसका मुख्य वही है। क्या नाम है मेला का? मीरा देवी। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज, इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं, इसके दाने भी वजनदार होते हैं, इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।